रहा हूं कुछ किताब, हम डायरेक्ट कुछ पॉइंट किताब से बताएंगे आपको। हाँ कर रहे हैं, ये हमारे पास तीन किताब आपको दिखाने के लिए लाए। इस किताब में कुछ खास बात है, ये किताब क्यों है खास और अभी हम आपको समझाएंगे। इसमें हम आपका 15 मिनट लेंगे, दूसरा सेशन शुरू होगा आपका इंटरेक्शन सेशन, जिसमें आप हमसे सवाल करेंगे आप क्या बनना चाहते हैं, सही रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए मैं आप आता हूं, ये एक किताब है, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। रिच का मतलब रिच बहुत वसी माने में, वाइड रेंज है। रिच का मतलब सिर्फ दौलत वाली अमीरी नहीं, सोच से अमीरी, स्टेटस से अमीर, दिल का अमीर होना, पावर से अमीर। हमने बहुत संकीर्ण बहुत छोटा सोच लिया अमीर को। थिंक एंड ग्रो रिच ये बहुत मशहूर किताब है, 100 साल पहले लिखी गई। इसके राइटर है नेपोलियन हिल। क्या नाम है? जब आप जाएंगे इंग्लिश स्कूल में तो नेपोलियन हिल का कोटेशन सब रहता है, अगर आप में से कोई देखे होंगे तो। ये बहुत बड़ा ऑथर है, पूरी दुनिया इसका नाम जानती है। इस किताब को कहा गया सक्सेस की बाइबिल है। क्या है? तो इसलिए जानना जरूरी है ना, सक्सेस की दुनिया में सबसे बेहतर पुस्तक है जो बताती है सक्सेस कैसे मिलती है। इसीलिए मैं लाया हूं इसको, बोलने के लिए तो मैं खुद भी बोल देता, लेकिन मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि यह किताब बाइबिल मानी जाती है दुनिया में सक्सेस की। इसकी जो सिद्धांत है इसको पढ़ के लोग कामयाब हुए। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा, पूरी किताब की डिटेल तो मैं नहीं बता सकता हूं इतने कम समय में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और दूसरी किताब है इकीगाई। इस किताब का नाम है इकीगाई। इकीगाई ये जापानी नाम है। क्या है? ये एक जापानी पुस्तक है और जापानी नाम है इकीगाई। इस किताब में खास क्या है, जापान नावा ओकिनावा के लोग बहुत सक्सेसफुल है। जापान को तो आप जानते ही हैं, एशिया का एक सक्सेसफुल देश है। ठीक है, और डेवलप्ड देश माना जाता है, एशिया में एक ही माना जाता है, अब चीन को भी गिनती करते हैं। यहाँ ये एक गांव एक शहर पे बेस्ड किताब लिखी गई रिसर्च के आधार पे इकीगाई। उस गांव और जो गांव है, गांव ही बोलते हैं, शहर तो बाद में हो जाता है, दिल्ली भी एक गाँव था। ठीक है, अब उतना पहले ये सब रिसर्च WHO ने रिसर्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके रिकमेंड किया है। ये किताब दुनिया की ये सारी किताबें बहुत बिकने वाली है, मोस्ट सेलिंग बुक है ये। तो इस किताब की खासियत यह है कि उस गांव के लोग, उस शहर के लोग जो ओकिनावा है जापान में, उन वो सब और सबसे सक्सेसफुल लोग है, एवरेज सब लोग 100 साल जिंदगी गुजारते हैं। कितने? एवरेज है 100 साल, मतलब 100 है ही है सबका। हमारे यहाँ एवरेज लाइफ है 61-62, जो भी है 63, वहां एवरेज लाइफ है 100 साल। ये सब खुश रहते हैं, ये गम में नहीं रहते हैं, टेंशन नहीं है इनको। बताएंगे इसमें क्या खास बात है, कुछ पॉइंट इनके बताएंगे, पूरा तो नहीं बता सकते ना इतना कम टाइम है। तो और एक तीसरी किताब है हमारे पास, 7 Habits of Highly Effective People। क्या है? 7 Habits of Highly Effective People, स्टेफन आर कोवी, दुनिया का मशहूर राइटर है, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है दुनिया में, मोस्ट सेलिंग बुक है। ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ये किताब दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, अमेरिका इंग्लैंड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। इसमें 7 आदत है जो एक इंसान में होनी चाहिए तो डेवलप कर जाता है। तो इन सब का एक आदत तो बता दूंगा, सबसे टॉप पे है, क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम का ध्यान रख के। कभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक एक पुस्तक को 1 घंटा टाइम लेकर के हम, और भी बहुत सारी किताबें, 3 किताब को छाटा था आपके लिए, लाया था उसके रेफरेंस के लिए। ठीक है, लेते तो ये जो बाइबिल है थिंक एंड ग्रो रिच की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत गरीब आदमी होता है नेपोलियन हिल, उसके मन में होता है कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है। क्या? बहुत बड़ा आदमी बनना है, बस उसके दिमाग में होता है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इंसान जैसा गुमान करता है वैसा ही उसके साथ मैं करता हूं। ये सच है कि नहीं? जैसा गुमान आप करोगे वैसा ही अल्लाह ताला तुम्हारे साथ
जो तुम सोचोगे, तुम सोचोगे कि रोड पे जा रहे कहीं गिर ना जाए, तो गिरना तो कन्फर्म है। अब कैसे होता है, ये सारी थ्योरी है, ये मजाक नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो चीज दिमाग में तुम्हारे घुस जाता है वो चीज होता है। तो इसका पहला जो पॉइंट है कि एक इंसान में, ये नेपोलियन हिल बहुत गरीब था और इसको पढ़ने की ख्वाहिश थी, बहुत बड़ा आदमी बनना चाह रहा था, तो इत्तेफाक से इसकी मुलाकात हो गई एक बहुत बड़े आदमी से, उस समय के बिल गेट्स से, ठीक है, 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। और उससे मुलाकात हुई इनकी, वो अमेरिका के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे जब, जो अभी बिल गेट्स, बहुत लंबी अवधि तक, बिल गेट्स का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बिल गेट्स बहुत लंबे काल तक अमीर रहा, ये थे। वो आदमी खुद बहुत गरीब था, ठीक है, जिससे नेपोलियन हिल की मुलाकात होती है। नेपोलियन हिल ने से मिलने के बाद उसने कहा, यार तुम एक ऐसी किताब लिख सकते हो रिसर्च करके, हमारे सारे दोस्त है एडिसन जो साइंटिस्ट है, नाम सुना एडिसन का, बल्ब का आविष्कार किया, इस व्यक्ति का दोस्त जिसे नेपोलियन हिल मिला, बोला एडिसन से लेके जितने बड़े बड़े लोग है, एडिसन एक्चुअली साइंटिस्ट भी थे, कैपिटलिस्ट भी थे, वो पूंजीपति थे, बिजनेसमैन थे, समझ रहे बात को, ये सारे बिजनेसमैन जो है ना, ये साइंटिस्ट भी हैं, जैसे जो ट्विटर का मालिक है वो रिसर्च भी करता रहता है, तभी तो उसके उसका आविष्कार करता है ना, मेहनत करता है, कोशिश करता है, कुछ नई चीज ढूंढता है। ये मत समझो कि सिर्फ पैसा है उनके पास, दिमाग से ही पैसा आता है। तो नेपोलियन हिल को इस व्यक्ति ने कहा कि मैं लेटर पे, उस समय तो वीडियो ऑडियो था नहीं है सारी, मैं लेटर पैड पे लिख के दूंगा सबसे, और अमेरिका में जो 700 सबसे अमीर व्यक्ति है सबसे मिलो, लेकिन हमें तुम्हारा 20 साल चाहिए, 20 साल तुम दे सकते हो, गरीब आदमी से पूछ रहा है। कहा कि हाँ दे देंगे, बिना सोचे हुए, क्योंकि उसके अंदर एक पैशन था कि मुझे कुछ करना है, और इतना अमीर आदमी बोल रहा है, बोला कि मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा के लिए, तो तुम सोच के बताओ। उसने तुरंत एक मिनट में सोच के बताया कि हाँ डन, मैं करूंगा। तो इससे क्या साबित होता है, लेना चाह रहा था। अब एक इतना करोड़पति आदमी, कौन, बिल गेट्स की बात कर रहे, इतना बड़ा आदमी, वो पैसा नहीं देगा उसके लिए तो, अरे मैं उसके लिए 100 करोड़ का तेल जो है ना, तेल चू जाता है, वो लीक कर जाता है, इतना पैसा है। वो चाहे तो सबको 50-50 करोड़ रुपया बांट दे भीड़ में, इतने पैसे हैं उनके पास। बिल गेट्स ने तो छोड़ दिया सारा धंधा, वो बस यही सब काम कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, पता है आपको, क्योंकि पैसा भी लेके क्या करोगे। तो उस व्यक्ति का जज्बा देख करके उसने कहा कि मैं बिना मुआवजे के 20 साल इस पे रिसर्च करूंगा। रिसर्च किस पे करूंगा कि आदमी अमीर कैसे बनते हैं, डेवलप्ड कैसे बनते हैं, इस पे रिसर्च करना है। उस 20 साल रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखी गई। अब समझ में आया ये कहानी। और उसमें सबसे टॉप मोस्ट बात है विजन। हर व्यक्ति में जो उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों पे रिसर्च किया, उसमें एक चीज कॉमन था, उन सबका एक विजन था। क्या था, उन सबका एक दृष्टि था अपने दिमाग में। विजन एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसके दिमाग में चलता रहता है कि मुझे वो बनना है, और कई बार वो फेल करता है, समझ रहे हैं। तो आप सबको ये कैरेक्टर आना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस करना है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में आना चाहिए, समझ रहे बात को। ये चीज जब तक सोचोगे नहीं, जब तक सफलता का सोचोगे नहीं, तो सफलता मिलेगा कैसे, सबसे पहली थ्योरी है सफलता की, सक्सेस की, क्या मिलेगा कैसे, सोचना ही बंद, ला तक न तुम रहमतिल्ला, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत, इन नमल अमाल बिन्यात, अमल का दारो मदार, सोच ही नहीं रहे हो तो होगा कैसे। तो सबसे पहली चीज क्या है, सोचना, सबसे पहली चीज क्या है, विजन। और एक समय में ऐसा होता है कि आप फील करने लगते हो कि आप वैसे हो, वो सबकॉन्शियस माइंड। कई बार आप जब चलते हो तो लगता है ना पीछा कर रहा है कोई पीछे से, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में घुस गया है, और कई बार सचमुच में करता रहता है पीछा, क्योंकि आप जब ऐसा सोचते हो तो पीछा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके गुमान के हिसाब से, जब आप सोचते हो कि अल्लाह मेरी मदद करेगा तो अल्लाह ताला मदद करता है कि नहीं, जब आप सोचते नहीं यार ये सब कहने होने वाली बात है, अल्लाह ताला क्या मदद करते हैं, मेहनत तो खुद ही करना है, तो अल्लाह मदद नहीं करेंगे, खुद ही करो मेहनत, समझ गया। तो सारा थ्योरी मिल रहा है कि नहीं, विजन,
तो एक इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, टाइम थोड़ा कम है, आप लोगों ने एग्जाम वगैरह दिया, थक गए होंगे। हम इसकी एक बात नोट करना चाह रहे हैं, और देखो सारी थ्योरी मिलती जुलती है, ऐसा नहीं कि अलग है सक्सेस की। इकीगाई में खास बात क्या है, यहाँ के लोग जो बहुत सफल है जापान के और ओकिनावा के, ये क्या खास करते हैं कि इनकी उम्र 100 साल है एवरेज, और ये सब डेवलप्ड है, इनको किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे की, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारी बातें, लेकिन टॉप प्रायोरिटी की बात करता हूं। यहां के लोगों का कहना है रिसर्च के आधार पे कि कामयाबी के लिए पैशन जरूरी है। क्या पैशन? अब पैशन क्या है उसको, कामयाबी के लिए पैशन, काम से मोहब्बत। पैशन क्या कहते हैं उसको, वो लोग लव कहते हैं, लव। तुम किस चीज से मोहब्बत करते हो? हमने लव को गलत तरीके से डिफाइन कर दिया। तुम जिस काम से मोहब्बत करते हो वही तुम्हारा पैशन है। अब कैसे पता चलेगा कि तुम किस काम से मोहब्बत करते हो? तो इसमें ये थ्योरी है बजाते, आप जिस काम से मोहब्बत करते हो उस काम को आप कितना जानते हो? जानना भी चाहिए, खाली मोहब्बत करे नहीं, मुझे तो भाई कुरान से मोहब्बत है, हदीस से मोहब्बत है, या मुझे तो भाई साइंस से मोहब्बत है। तो मोहब्बत है तो उसको निभाओ भी, समझ में आ रही बात? तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरी थ्योरी, पहली थ्योरी क्या है, मोहब्बत किस चीज से, काम से, किस वर्क से मोहब्बत है, किस काम से तुमको मोहब्बत है, पैशन, इट इज कॉल्ड पैशन, उसी को पैशन कहते हैं। कई बार समझ में नहीं आता पैशन पे, अच्छा हाँ, जिस काम से तुमको मोहब्बत है वो तुम्हारा पैशन है। जैसे किसी को कलाकारी पसंद है, किसी को फूल बनाना आता है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को लेक्चर बनना पसंद है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा है उस काम में आपका दिल कितना लगता है, करते हो कि खाली ऊपर से मोहब्बत है? कोई क्रिकेटर बनना चाहता है और खेल रहा फुटबॉल, तो मोहब्बत किस चीज से है? क्लियर? अगर आपको नमाज से मोहब्बत है तो नमाज तो पढ़ना भी पड़ेगा, ये खाली। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल भी करना पड़ेगा, सच है ना? ठीक है, तो मोहब्बत का दूसरा तकाजा ये है कि उस काम को एक्शन में लाना है। और तीसरा है कि आप उस काम को, मतलब काम ऐसी ऐसा आपका हो, ऐसे काम से मोहब्बत हो कि वो सोसाइटी की नीड बन जाए, समझ रहे हैं बात को, तब आप सक्सेसफुल होंगे। जैसे आपको मोहब्बत तो है लेकिन झाड़ू देने से मोहब्बत है, मतलब घर का झाड़ू वाड़ू खूब देते हैं तो दुनिया जानेगी आपको, अब समझ में आया, और झाड़ू भी देते हैं तो आपको मोहब्बत है बर्तन धोने से, और बर्तन भी धोते हैं तो दुनिया जानेगी, नहीं जानेगी ना? मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी को मोहब्बत है कि मुझे डॉक्टर बनना है और वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है अभी से, कोई कुछ नहीं बोल रहा उसको और उस पर वो काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज कि आपको किस चीज से मोहब्बत है वो कैसे पता करेंगे, वो भी मैं बताता हूं आपको। और उस काम को आप सीख चुके हैं कि नहीं, नहीं सीखे हैं तो सीखिए। और वो काम जिससे आपको मोहब्बत है वो सोसाइटी की जरूरत कितनी है, तभी सोसाइटी को आपकी जरूरत पड़ेगी, तभी सोसाइटी को, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। सपोज आप जो है ना कोई ऐसा कार, मतलब कार का कारखाना खोलना चाह रहे हैं, तो कार का कारखाना खोलने से आपको मोहब्बत है, ठीक है, पैसा कमाना चाह रहे हैं और वो सोसाइटी की जरूरत है, तो आपका कितना नाम होगा। इसी तरह मारुति, फोर्ड, ये फोर्ड भी इसके दोस्त थे, नेपोलियन हिल जी से मिले थे, ठीक है, ये सब बड़े बड़े लोग। तो आप उस काम से मोहब्बत करेंगे जिस काम को दुनिया की जरूरत है। जैसे आपको लेक्चर देना पसंद है, आपको नाक पढ़ना पसंद है, लेकिन दुनिया आपकी नाक को सुनेगी, इतना अच्छा पढ़ना है, तब दुनिया की आप जरूरत बन जाएंगे, अब समझ में आई बात। लेकिन नाक आपको पढ़ना पसंद है, सुनना पसंद है, पर लोगों की जरूरत नहीं है वैसा। हम जो काम कर रहे हैं दुनिया को इसकी जरूरत है, और मेरा ये पैशन है, मोहब्बत है इस काम से, और मैं इस काम में स्किल्ड हूं, मतलब सीखा हुआ हूं, सीख भी रहा हूं। तीसरा स्टेज क्या है, वो काम लोगों की जरूरत है, तब लोगों की
मेरी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? तो डेवलप होंगे हम। इस तरह से ये थ्योरी है। तो अपने पैशन को पहचानो। अब पैशन को आप पहचानेंगे कैसे? आप अपने आप को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा काम आपको पसंद है, भाई डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने। देखिए, आप सोचिए कि आप कौन सा काम करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मजा आता है, खुशी मिलती है। थ्योरी है इसकी। जिस काम को करने के बाद आपको खुशी मिलती है, बस उस काम को कीजिए। और उसमें वो सारे कैरेक्टर होने चाहिए, लोगों की नीड हो। जैसे आपको कुरान पढ़ के खुशी मिल रही है तो फिर पढ़िए। कुरान की बातें करके खुशी मिल रही है आपको, साइंस पढ़ के खुशी मिल रही है आपको, नज़म पढ़ के खुशी मिलती है आपको, नात शरीफ पढ़ के खुशी मिलती है आपको, लेक्चर देने में मजा आता है तो लेक्चर देना सीखिए। समझ में आ रही बात? जो काम आपको खुशी देता है, ये थ्योरी दूसरी है। इसमें क्या निकला? जिस काम में आपको मजा आता है। भाई ये कैसे पता चलेगा? ये भी नहीं पता चल रहा है, मैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है मुझे मजा किस में आता है। अब तीसरी थ्योरी, जब आपने कई काम किए होंगे जिंदगी में तो आपको सबसे ज्यादा प्रशंसा कब मिली थी, याद कीजिए। सबसे ज्यादा ताली कब बजा था? सबसे ज्यादा लोग आपकी कब प्रशंसा कर रहे थे? अरे यार तू तो बहुत अच्छा गाती है, तू नाच बहुत अच्छा पढ़ती है, तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ती है, वही तुम्हारा पैशन है। समझ में आई बात? इसको तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो बस याद करो तुम। जिसने पहले तो तुम खुद ढूंढो, अगर तुमसे खुद नहीं मिल रहा तुम्हारा पैशन, वो तुमसे मिल जाएगा थोड़ा टाइम दोगे तो। जिस चीज में तुमको मजा आता है, जिस काम को करने में तुमको सुकून मिलता है, उस काम को करो। पढ़ने में सुकून मिलता है, पढ़ाई करो। खेलने में सुकून मिलता है, खेल में आगे बढ़ो, ठीक है। और तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम देखो किस काम में लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे घर पे लोग आते बोलते चाय बहुत अच्छा बनाती है, तो इसका मतलब चाय तेरा पैशन है, उसमें तुम्हें बहुत मन लग रहा है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो अपने पैशन को कैसे तलाशोगे? समझ में आ गया थ्योरी? अपने पैशन को तलाशोगे कि जिस काम में तुमको मजा आता है, खुशी मिलती है, या लोग किस काम में आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरी तीसरी किताब जिससे हम बात कर, बस एक पॉइंट इसमें, हम हमारा अभी 5 मिनट बाकी है, बल्कि हमने तो 5 मिनट हम बात कर लेते हैं। ये दुनिया की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दुनिया में जितने भी प्रभावशाली लोग हुए, जिसका वर्णन इन सारी किताबों में है, जितने भी प्रभावशाली लोग हुए, चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में या भारत में, उसमें 7 चीज कॉमन थी। 7 चीज, तो उसमें एक दो में बता, एक दो बता देता हूं, ठीक है? क्यों, ये थक गए होंगे, भूखे हैं ना। सबसे पहली चीज इसमें कहा गया है, जो स्टीफन आर कोवी है, बहुत मशहूर राइटर है, इन्होंने कहा कि वो लोग जो दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं, उनका पहला कैरेक्टर है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इस शब्द को मैं बताऊं, प्रो, PROACTIV, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब पहले से एक्टिव रहना, पहले से एक्टिव रहना। ये नहीं कि फेल होने के बाद रो रहे हैं कि ओ अब तो पढ़ूंगी, अब तो पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? फेल होने से पहले, यानी सफल होने से पहले सफलता की तैयारी करते वो लोग। कौन लोग? जो सफल है दुनिया में, ठीक है, उसी पर्पस के लिए मैं आया हूं। अब जिनको IAS बनना है, वो 8वां क्लास से, 7th क्लास से, 6th क्लास से सोच रहे हैं, प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब जो काम बहुत बाद में होना है उसकी तैयारी पहले करनी है। ये और दुनिया में एक दूसरे प्रोएक्टिव का उल्टा होता है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव होते हैं डंटा खा के काम करते हैं। क्या मौली साहब या मैडम पहले डंटा मारेंगे, उसके बाद याद करके आएंगे। समझ में आई बात? तो आपको क्या बनना है? सक्सेसफुल बनने के लिए प्रोएक्टिव होना है, पहले से प्लान बनाना है। प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, PCS करना है, तो प्लान जितना पहले होगा उतने आप प्रोएक्टिव होगे। अब मान लो एक तो एक आदमी एग्जाम से 1 महीना पहले जाग रहा है, अब तुम बताओ ऑप्शन। एक आदमी एग्जाम के 3 दिन पहले जागता है कि नहीं हमको हदीस याद करनी है। एक आदमी एग्जाम से 3 महीना पहले जागता है। एक आदमी पहले दिन जो क्लास है ना,
पहले क्लास को उसी रात में याद कर लेता है, उसी दिन से जागा हुआ है। तो प्रोएक्टिव कौन, सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव कंपैरेटिवली कौन है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा सफलता मिलने की चांसेस किसको होगी किसी भी फील्ड में? तो जितना पहले आप सोचोगे और जितना पहले सोच के उस पर प्लान करोगे उतना पहले आपको सफलता मिलेगी, प्रोएक्टिव। दूसरा कैरेक्टर है गोल ओरिएंटेड, बस लास्ट एक मिनट, वो लोग लक्ष्य उन्मुख होते हैं, लक्ष्य की तरफ हमेशा रहते हैं, वो लक्ष्य से कभी भटकते नहीं है। पैशन आपको याद होना चाहिए, आपको क्या बनना है, आपको अपने आप को टाइम दो, एक हफ्ता, 10 दिन 15 दिन, और अपने बारे में जानो। दुनिया के बारे में तो खूब जानते ना, वो सुस्त है, वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं आता है, वो नाश्ता ठीक से नहीं बना पाती है, वो लड़की अच्छी नहीं है, उसको याद नहीं होता है। तुम अपने बारे में जानो ज़्यादा, दूसरे के बारे में जानना नहीं है। किसके बारे में जानना है? अपने बारे में जानो, तुम कितने सुस्त हो, तुम कितने बेवकूफ है, कितने बजे उठते हो, बिना मम्मी के उठाए नहीं उठते हो, समझ रहे हो बात? अब कितने लोग हैं जो खुद से उठते हैं? तो अभी सबसे पहले अपने बारे में जानो, तुम हो क्या, लक्ष्य निर्धारित करो, बड़ा सपना देखो, जितना बड़ा सपना देखोगे सोचोगे उतने बड़े आदमी बनोगे। वैसे वैसे होता चला जाता है, दिमाग की प्रोसेसिंग है। जैसे तुम सोचोगे ना, मैं एक एग्जांपल से खत्म करता हूँ, तुम सोचोगे कि सुबह 4 बजे उठना है, सोते हुए सोचोगे कि सुबह 4 बजे उठना है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, या 4 बजे उठ करके हमको याद करना है टास्क असाइनमेंट। तो कभी कभी आपने सुना होगा पक्का 4:01 पहले आपकी नींद टूट गई, हुआ था कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने दिमाग को यह सिग्नल दिया कि मैं 4 बजे उठने वाली हूँ, तो दिमाग ने बस सबको 3:30 जगाना शुरू कर दिया, उठ जा भाई, हाथ किधर है तू, आंख, एक्शन ले। क्योंकि दिमाग को सिग्नल चला गया था रात में कि 4 बजे जगाना है इसको। ऐसे काम करता है साइंस, ये मजाक नहीं है, ये सच्ची घटना है, ऐसे काम करता है हमारा शरीर। और तुमने दिमाग को कह दिया कि इतना, आज तो शादी थी, शादी में थे, 4 बजे तो कहाँ उठ पाएंगे, तो दिमाग रिसीव कर रहा है नहीं उठ पाएगा यह 4 बजे, हमें लग रहा है कि 7 बजे तक उठ पाएंगे, दिमाग ने ले लिया 7 बजे उठना है, पक्का 7 बजे उठाएगा ये। समझ में आ रही बात? तो जब तुम सोचोगे कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, तो दिमाग बताएगा अब ये करो, अब वो करो, प्लानिंग तुम्हारे पास आती रहेगी। जब तुम ये सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझसे तो नहीं हो सकता, तो दिमाग में तेरे आएगा कि तू कुछ नहीं कर सकती है, तेरे लिए सब रास्ते बंद है। जब तेरे दिमाग, और इससे तुम जोड़ो, ला तक न तो मिल रहा मत, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, अल्लाह के गुमान से, अल्लाह से जैसे गुमान करोगे, ईश्वर से, खुदा से, वैसा ही तुमको मिलेगा। देखो सारी चीजें मिलती है कि नहीं, अल्लाह ताला भी तो यही कहता है, जो तुम सोचोगे वो होगा। तो ये सारी चीजें हैं,